मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित जया रोगी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में मंगलवार सुबह आग लगने की घटना घटी। इस हादसे में एक मरीज की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि बाकी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ग्वालियर के जया रोगी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में मंगलवार सुबह 7 बजे आग लग गई। आग एसी कंप्रेसर पाइप फटने की वजह से लगी। आईसीयू में उस वक्त कुल 10 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही थी। आग लगते ही अस्पताल का स्टाफ तुरंत सक्रिय हो गया और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक फॉल्स सीलिंग और एक बेड में आग लग चुकी, जिससे आईसीयू में धुआं भर गया। दम घुटने के कारण आजाद खान नामक एक मरीज की मौत हो गई। आजाद खान को सड़क हादसे में घायल होने के बाद आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। आग लगने के बाद जब उन्हें अन्य कमरे में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी वेंटिलेटर हटने से उनकी मृत्यु। घटना के बाद आईसीयू में भर्ती अन्य मरीजों राजकुमार सिंह, राहुल कुशवाहा, प्रीति गौर, रजनी राठौर, बजेंद्र कुमार और शैलेंद्र चौहान को सुरक्षित अन्य कमरों में शिफ्ट कर दिया गया। इस दुखद घटना ने अस्पताल प्रशासन की आपातकालीन तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। आग से बचने के उपायों और अस्पताल की सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।